यादव जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने एलबीएस यादव जी के ऊपर ये एफआईआर कराई है कि वो स्नैक्स का जहर बेचते हैं, स्नैक्स खरीद के बेचते हैं, रेप पार्टीज करते हैं वगैरह वगैरह, सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, पीपल्स एनिमल के जो हैं, मैं उनका आपको परिचय जरूर देना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एलबीएस यादव जी के एफआईआर को बोलना चाहूँगा। जब मैंने वो एफआईआर पढ़ी तो ज़्यादा डिटेल में जाते हुए इतने कहूँगा कि बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है कि एलबीएस यादव जी का नाम उनमें जब उस एफआईआर में जबरदस्ती प्लॉट किया गया है। हो सकता है एलबीएस यादव जी से भी इन्होंने कुछ एक्सट्रोशन मांगी और एक्सट्रोशन नहीं दे पाए, नहीं दी उन्होंने, तो उनके ऊपर इस प्रकार के झूठे आरोप डाले गए। तो सबसे पहले तो मैं एलबीएस यादव जी और जितने भी लोग इनसे मतलब जुड़े हुए हैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक लोग हैं, आने वाले समय में आपके ऊपर बलात्कार के या मोलेस्टेशन के आपके उल्टे सीधे केस डाले जा सकते हैं। एनसीआर के एक बिल्डर हैं, काफ़ी मशहूर बिल्डर हैं, उनसे भी इन्होंने, सौरभ गुप्ता ने, गौरव गुप्ता ने 50 लाख रुपए की एक्सट्रोशन मांगी, जब नहीं दी तो उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, तो जितनी भी जांच एजेंसी हैं कि भाई सौरभ गौरव गुप्ता के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए, इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर आप इनकी जाँच करवाइए कि इनके इतना पैसा कहाँ से आता है। और तो अगर इतना भी नहीं कर सकते तो भाई कम से कम एसआईटी तो बिठा दो, कम से कम आदमी को शांति से तो रहने दो। गौरव दोस्तों, एलबीएस यादव जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं।